साउथ इंडस्ट्री से ताजा माल, तेलुगु इंडस्ट्री की ओर से कल्की के बाद एक और गिफ्ट, 2 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर देवरा स्टारिंग जूनियर NTR, एक नहीं डबल रोल में सैफ अली खान भी हैं इसमें और हीरोइन है जानवी कपूर। ट्रेलर में इतना पानी है कि समुद्र किनारे की कहानी है ये क्लियर है, और अभी से बता दिया गया है कि एटलीस्ट 2 पार्ट में तो ये पिक्चर है ही, तो कितना कुछ छुपा के रखा होगा ये सोचे। इतना लंबा ट्रेलर लेकिन फिर भी स्टोरी ज्यादा रिवील नहीं की है, तो रिवील करेगी ना आपकी अर्चना। स्टोरी, देवरा समुद्री लुटेरा हो सकता है, नेगेटिव कैरेक्टर जो है इस मूवी का वो भी यही काम करता होगा। दोनों के बीच हाथापाई होती है और देवरा गायब हो जाता है। अब आएगा उसका बेटा जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब बिहेवियरल पैटर्न में उससे विपरीत। लेकिन क्या अपने पिता को ढूंढेगा या फिर अपने पिता के रास्ते पर चल पड़ेगा, पार्ट 2 में ये भी हो सकता है। स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन क्या इस स्टोरी को इफेक्टिवली दिखाने में कामयाब रहेंगे? तेलुगु सिनेमा वाले पैसे खूब लगाते हैं और पैसा दबा के कमाते भी हैं। देवरा का ट्रेलर ऐसे सीन्स हैं कि हमारे ख्यालों से भी आगे, इमेजिनेशन से परे ले जाए हमें। 300 करोड़ लगाए हैं इस मूवी पर और देखकर लगता भी है। एक्शन, पानियों में स्टंट्स करना, ये फ्रेश फील होता है। वही बंदूक, खंजर और चक्कू नहीं निकालते, दैट इज गुड, बट ऑनेस्टली कलर ग्रेडिंग परफेक्ट नहीं लगता, काफी सीन्स आर्टिफिशियल लगते हैं। समुद्री लुटेरों का कॉन्सेप्ट है तो याद आ गए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ऑल द बेस्ट टू देवरा। वैसे हम जानते हैं कि साउथ की मूवीज को वैसे भी बहुत प्यार मिलता है और कामयाब उनको कर देती है जनता। ऐसे ही माफ कर देंगे लोग अगर कोई गलती निकली तो भी। मास मसाला एंटरटेनर के लिए रेडी हो जाओ। वैसे 15-16 दिन ही बचे हैं पिक्चर रिलीज होने में, तो ट्रेलर इतना लेट क्यों रिलीज किया ये एक सवाल था। अवतार मूवी के बाद पहली बार इतना पानी देखने को मिला है। शार्क पर सवार होकर जूनियर NTR पानियों में ऊपर की ओर आकाश में उड़ी मारते हैं, ऐसा भी एक शॉट है। कभी नहीं देखा होगा, मतलब RRR में बाइक उड़ाने वाले इस मूवी में शार्क उड़ाएंगे, वाह। जूनियर NTR जब स्क्रीन पर आ जाते हैं तो छा जाते हैं, तो ऐसे सीन्स देखना चाहेंगे लोग, दिमाग काम नहीं करेगा, वैसे भी सीन्स होंगे लेकिन जूनियर NTR की प्रेजेंस सब मंजूर है इन्हें देखने के लिए। लॉजिक गया तेल लेने के लिए। एक ट्रेलर में दो जूनियर NTR का मजा ले लीजिए। बाप और बेटा दोनों का रोल इन्होंने ही किया है ट्रेलर में, एक जगह पर ऐसा हिंट भी है, तो क्या सच में ऐसा कुछ है या मामला कुछ और ही निकलेगा? खुद ही डब किया है इन्होंने हिंदी में, ये चुम्बेश्वरी है, मतलब एक्सेंट प्रोनंसिएशन सुपर है। और जैसे ही स्क्रीन पर सैफ अली खान आ जाते हैं भाई, उनके प्रकट होते हैं माइंड इज द ब्लोइंग इज द। समुद्र के बीच में खड़ा हुआ वो जो हिडन आदमी है जिसके आसपास आग है, प्रेजेंट से पास्ट की ओर ले जाने वाला कोई कैरेक्टर, मतलब जूनियर NTR का बाप वर्जन हो सकता है ये, जो कि अचानक से गायब हो गया था। जिन लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी ट्रेलर से वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। मतलब अगर आप फैन है जूनियर NTR के और सोच के बैठे थे कि धोती फाड़ रुमाल निकलेगा देवरा का ट्रेलर, तो डिसअपॉइंटेड फील तो करेंगे। लेकिन पैसों की अगर बात कर लें तो 300 करोड़ में अगर बनी है पिक्चर, नेटफ्लिक्स ने 155 CR में OTT राइट्स ये तो खरीद लिए हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इसमें कमाई हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है ठीक ठाक निकल जाएगी ये मूवी या कल्की के कलेक्शन इसको भी पार कर जाएगी देवरा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।